मैडम मैडम मंत्री महोदय ने आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि मुफ्त कानूनी सहायता पे जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं एक इस मुफ्त कानूनी सहायता के प्रणेते जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर को याद करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते उनका निधन हुआ, 1973 में उन्होंने ड्राफ्ट की थी फर्स्ट रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री लीगल रिपोर्ट पे। लेकिन इस पे मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ, ओवाईसी जी ने और पंडा जी ने 2 दिसंबर को होम अफेयर मिनिस्ट्री को एक सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अंडर ट्रायल्स कॉन्विक्ट से इस देश में सबसे ज्यादा है। ये इसलिए जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फायदा होता है। उससे ये पता चलता है कि अंडर ट्रायल्स बहुत गरीब होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाओं की दिक्कत होती है। तो मैंने जब उसका अभ्यास किया, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट दिखाई दी, उसमें त्रिची सेंट्रल प्रिजन में तमिलनाडु में फ्री लीगल एड क्लिनिक बनता है और इस क्लिनिक के रूप से उन लोगों को मदद करने की पूरी मदद मुहैया देती है। मैं मंत्री महोदय को 2 मुद्दों पर प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज नाइदर सेटअप नॉर प्रपोजेस टू सेटअप एन इंस्टीट्यूट फॉर पैरालीगल सर्विसेज, और जिस प्रकार से पैसों का आवंटन इसमें किया गया है उस प्रकार से उस पैसे का इस्तेमाल होना जो चाहिए, खर्चा तो दिखा है लेकिन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं यही प्रश्न पहला पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से त्रिची सेंट्रल प्रिजन में फ्री लीगल एड, जिस प्रकार से उसका क्लिनिक हुआ है, क्या हम देश भर में ऐसे गरीब लोगों के लिए जो अंडर ट्रायल्स है उनको मदद कर सकते हैं? स्पीकर, प्रोसेस ऑफ लीगल एड इट विल बी फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 75% ऑफ द फंडिंग विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज टू टेक केयर ऑफ द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। The state will tie up with various organizations, especially just like what she said with regard to this union, and we will provide them sufficient funding, and the state with the directions of the High Court it will take up the issues. Especially as she rightly said, in Tamil Nadu there is their state government has taken a new initiation, thereby it has given a good service to the people of that state. So it differs from state to state, each state has got its own style of functioning, but a broad guidelines has been given by the center and the Supreme Court. The NALSA has given a broad guidelines, and the state governments, each state government, they will make use of the services and they will have their own procedures to have this. These are the things, especially Tamil Nadu is of the one of the prime runner in this direction. Even in Gujarat madam, there is a Nari Adalat. It has given such a beautiful concept so that the disputes between the women, because nowadays we are seeing that there are so many complaints of harassment and harassment in workplace, there is a Nari Adalat in Gujarat. So these types of new initiatives should be taken, because this is a very wide subject. We are providing free legal aid service for under trials also. That's a prime concept, and we want to further strengthen this institution. So any suggestion from any corner will be taken positively, and we are only persons, we can request various states, you should take the initiation in this direction. आदरणीय महोदया, अभी नारी अदालत की बात की लॉ मिनिस्टर साहब ने, मैं इसी रूप से यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 1986 में महिला सामिक्य का अभ्यास किया था और उस रूप से नारियों को सपोर्ट करने के लिए नारी अदालत का अनूठा प्रयोग किया था। वो अनूठा प्रयोग 1995 में बड़ौदा में हुआ था और वागोड़िया पंचायत में 50% महिलाओं पे होने वाले अत्याचार कम हुए थे और गुजरात में अनूठा कार्यक्रम हुआ था। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गुजरात गवर्नमेंट को, 2013
2013 से वहां की हमारी सीएम साहिबा ने 35 नारी अदालतें शुरू की है और वो गुजरात में बहुत अच्छा अनूठा कार्यक्रम किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ सर को कि जिस प्रकार से नारी अदालत की उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, करना चाहिए, लेकिन इन छोटे छोटे उत्पीड़न शोषण से महिलाएं जिस प्रकार से जाती है, घर का विषय होता है, पति मारता है तो वो पुलिस स्टेशन भी जा नहीं पाती, घर का मुद्दा होता है, बड़ी बूढ़ी माँ होती है, अपने बच्चे उनकी जमीन ले लेते हैं, तो ऐसी नारी अदालतें हम वीकली बेसिस पे पूरे देश भर में या हर 15 दिन में माह में 2 बार ऐसी नारी अदालत हम पूरे देश भर में कर सकते हैं या नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। I really appreciate the concerns of honorable member Shrimati Poonam Mahajan. Of course, that concept of this Nari Adalat, it was taken up in Gujarat. Of course, we know very well that almost all the new initiatives in any direction, it will be taken up by the state of Gujarat. It has taken so many initiatives. So this is also taken up by the modeled this Lok Adalat concept. Nari Adalats are block level autonomous tribunals, madam. Women are operated by them for addressing their grievances. Mahila Samyakas in each district in Gujarat has initiated this. Actually, this Mahila Samyakas comes under the Education Department, HRD Department, but subsequently this concept was taken by that Mahila Samyaks, and they formed resource persons from each cluster and 5 members from each block. Finally, they formed this Nari Adalat. So altogether, this Nari Adalat has worked out well in Gujarat, and we are working on that direction. As a Ministry of Law and Justice, we can request the state government to follow this concept everywhere. We can make a request. It is left to the state governments to adopt this. But a very good suggestion is given by honorable member. Certainly, I will write to all the states to take this concept in their states also, so that women will be given some top priority in resolving their legal issues.